दोस्तों, इग्नू यूनिवर्सिटी के जुलाई 2022 सेशन के यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के एडमिशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप पीजी प्रोग्राम के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसमें सर्च कर लेनी है इग्नू यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट। इग्नू यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाने के बाद अब यहाँ पे नोटिस सेक्शन के अंदर आपको नोटिस मिल जाएगा, जो कि है ओडीएल प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए 2024 सेशन के जो हमारे फ्रेश एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए जाना कहाँ पे होता है, आपको जाना होता है रजिस्टर ऑनलाइन के ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस और फ्रेश एडमिशन ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर डिस्टेंस जो कि ओडीएल प्रोग्राम है उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। दोनों की जो अभी लास्ट डेट रखी गई है 30 जून रखी गई है एडमिशन फॉर्म फिल करने की। ये डेट आपकी एक्सटेंड कर दी जाएगी, जो कि जुलाई अगस्त एंड तक आप अपने एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन और ओडीएल प्रोग्राम सेम तरीके से आप अपने एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओडीएल प्रोग्राम के लिए यानी डिस्टेंस प्रोग्राम के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल करने वाले हैं पीजी प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे हम फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस पोर्टल पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको उसमें जाता है जुलाई 2024 से एडमिशन साइकिल, इसकी लास्ट डेट रखी है एडमिशन फॉर्म फिल करने की 30 जून। साथ ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उसके बाद आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। साथ में कुछ प्रोग्राम के लिंक मिलते हैं जिस पे क्लिक करके उसमें क्लिक करके आप उन प्रोग्राम के यहाँ पे एडमिशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। साथ में कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट में, साथ में इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, जिसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, जिसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन टाइम पे। साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज क्या रखना है, फोटो सिंगल साइज जो आपको मैक्सिमम 100 KB तक रखना है, यानी 100 KB से कम का ही साइज रखना है, और जो डॉक्यूमेंट का साइज रखना है वो 200 KB से कम रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं आप। साथ में यहाँ पे पेमेंट आप ऑनलाइन ही कीजिएगा। साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया है जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड होंगे। साथ ही देखिए, आपको यहाँ पे एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन फी कैंसिलेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे मिल जाता है। अगर अपना एडमिशन आप कैंसिल कराते हैं तो आपको फीस किस बेस पे आपकी रिफंड होगी उसके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन फी होती है 300 रुपये आपकी ऐड होती है, वो आपकी नॉन रिफंडेबल है, वो आपको रिटर्न नहीं होगी एडमिशन कैंसिल कराने के बाद। साथ ही सेकंड पॉइंट मेंशन किया गया है, जो आपकी फीस है रिफंड होगी वो आफ्टर कंफर्मेशन एडमिशन के बाद ही रिफंड होगी। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त आपने जो स्टडी मटेरियल का ऑप्शन सिलेक्ट किया था हार्ड कॉपी में, तो आपका एडमिशन कैंसिल प्रोसेस के टाइम पे आपकी जो 15% जो फीस है वो डिडक्ट होके बाकी आपको रिफंड की जाएगी। फोर्थ पॉइंट मेंशन किया गया है, अगर आपने जो स्टडी मटेरियल का ऑप्शन सॉफ्ट कॉपी में सिलेक्ट किया था उस केस में जो डिडक्शन होगा वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो फी है 300 रुपये वो डिडक्ट होगी और बाकी आपको रिफंड कर दी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, ऐसे स्टूडेंट जिनकी फी हमारी यहाँ पे एग्जेम्प्ट हुई थी यानी वो रिलैक्सेशन पाते हैं फी के अंदर, तो इस केस में उसकी रजिस्ट्रेशन फी हमारी यहाँ पे डिडक्ट की जाएगी और उसकी डेवलपमेंट फी ही हमारी यहाँ पे रिफंड की जाएगी। सिक्स पॉइंट मेंशन किया गया है, जो 60 डेज के बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उसके 60 डेज बाद आप अगर एडमिशन कैंसिल कराते हैं इस केस में आपको कोई रिफंड वापस नहीं किया जाएगा। तो आपको अपना एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद विदिन 60 डेज के अंदर ही अपना एडमिशन कैंसिल करना होगा, आपको एडमिशन कैंसिल कराना है। यहाँ पे ये एडमिशन कैंसिलेशन प्रोसेस रखा गया है जिसको आप रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्क्रॉल अप करने के बाद, देखिए आपको उसमें मिलता है रीजनल सेंटर का, जितने भी रीजनल सेंटर हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन। एडमिशन फेक, अगर एडमिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो एडमिशन फेक के अंदर आप यहाँ पे क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। सर जो उसमें मिलता है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, जो कि मेन पॉइंट है आपका यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त, तो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे जाके आप जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, जो अवेलेबल प्रोग्राम है हमारा ओडीएल डिस्टेंस प्रोग्राम के, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। लाइक आपको पीजी के अंदर कौन सा प्रोग्राम करना है, एमए करना है, एमकॉम करना है, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एमकॉम सर्च करते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम। हो सकता है आपको बाद में यहाँ पे कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाए और मास्टर ऑफ कॉमर्स का ऑप्शन आपको देखने को न मिले। एमकॉम का कोर्स जब लास्ट डेट आने वाली होती है तब ये मास्टर ऑफ कॉमर्स का कोर्स हटा दिया जाता है और बाकी दो एमकॉम के जो कोर्स आते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम मास्टर ऑफ कॉमर्स के लिए हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिटेल ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमारी प्रोग्राम की डिटेल्स होकर जाती है, जो कि ड्यूरेशन कितने साल का है हमारा कोर्स, ये प्रोग्राम 2 ईयर का है,
लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप इसे स्टडी और एग्जाम ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। साथ में फीस क्या मेंशन की गई है यहाँ पे, जो फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है 18,600 रुपये, जो आपका फुल प्रोग्राम का यहाँ पे फीस है, जिसकी आपको 9,300 फीस पर ईयर के हिसाब से देनी होगी। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट फीस अलग अलग से आपकी देनी होगी। तो फीस डिटेल मिल जाएगी, साथ में कोर्स की डिटेल मिल जाएगी, कौन सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ेंगे, सेमेस्टर वाइज है या ईयरली वाइज है, वो आपको डिटेल यहाँ मिल जाएगी। सेम तरीके से आपको MA, MSc, MBA, MLIS की प्रोग्राम की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। तो इसके लिए हम बैक आते हैं, यहाँ पे उसमें मिलता है क्लिक यर फोन न्यू रजिस्ट्रेशन का, उसमें अब क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें करना होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल। सबसे पहले आपको एक यूजर नेम यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, जिसमें आप कोई भी यूजर नेम रख लीजिए जिससे आप लॉग इन करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एप्लीकेंट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जो कि डॉक्यूमेंट बेस आपको यहाँ पे फिल करना है। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस जो कि वर्किंग में चाहिए, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। री एंटर करना है एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है आपको अपना पासवर्ड। मोबाइल नंबर जो कि वर्किंग में चाहिए, वही आपको यहाँ पे फिल करना है। री एंटर करना है आपको मोबाइल नंबर। इसके बाद हमें अपने यहाँ पे कैप्चा, जो कि हमारा कैप्चा शो करेगा, वो फिल कर लेना है और फिर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली शो कर जाएगा। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना होता है। तो जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड सेलेक्ट किया थे, वो आपको यहाँ पे यूजर नेम में यूजर नेम फिल कर लेना है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड फिल कर लेना है, कैप्चा फिल कर लेना है और फिर लॉगिन के उसमें क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी जिसको आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद हमें स्क्रॉल अप करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है और फिर सबमिट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम देखें डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखें आपको अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए 8 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें आपके पहला स्टेप आएगा पर्सनल डिटेल, प्रोग्राम डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, कोर्स डिटेल, कोरस्पॉन्डेंस डिटेल, अपलोड और प्रीव्यू और फी का ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें पर्सनल डिटेल का। तो पर्सनल डिटेल के अंदर देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम पहले से यहाँ पे फिल रहेगा, मदर्स नेम फिल कर लेना है। इसके बाद गार्जियंस नेम में आप हस्बैंड नेम या फादर्स नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद उसमें मिलता है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिटीजनशिप इंडियन सेलेक्ट रहेगी हमारी यहाँ पे। इसके बाद टेरिटरी एरिया, तो आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो जो भी आपका एरिया है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप गांव साइड से बिलोंग करते हैं तो रूरल सेलेक्ट कीजिए, सिटी साइड से आप बिलोंग करते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना अर्बन सेलेक्ट कर लेता हूँ। एरिया माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं आप तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। साथ में होता है रिलीजन का, तो आपको जो भी रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, सिंगल है या मैरिड है, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सोशल स्टेटस क्या है, आप कश्मीरी माइग्रेंट है या एक्स सर्विस मैन है, वो सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद मिलता है ईमेल एड्रेस पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस को आप स्किप कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर को यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। इससे तो ऑप्शन मिलता है अदर डिटेल का, तो अगर आप जो एप्लीकेंट है वो डिसेबिलिटी एप्लीकेबल पर्सन है तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर येस कीजिए तो उसकी आप डिसेबल कितने परसेंट है वो आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये ऑप्शन मैं यहाँ पे नो करता हूँ। साथ में ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो अगर आपका स्टेटस आप वर्किंग है तो आप एम्प्लॉयड सेलेक्ट कीजिए, अगर आप वर्क नहीं करते तो आप अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है स्कॉलरशिप डिटेल, इस ऑप्शन को अभी आप यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद ही आप इस ऑप्शन को फिल कीजिएगा, अपना एडमिशन फॉर्म में जो स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो इसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते जो आपकी डिटेल है आपके सामने शो हो जाएगी, तो आप एक बार डिटेल चेक कर लीजिएगा पर्सनल डिटेल, अगर कोई डिटेल में मिस्टेक हो चुकी है तो आप अभी एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा प्रोग्राम का स्टेप। तो यहाँ पे देखें हम पीजी के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हमें ऑप्शन मिलता है प्रोग्राम डिटेल के अंदर प्रोग्राम टाइप का। तो यहाँ पे आपको कब से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बैचलर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और मास्टर। तो हमें पीजी के लिए फॉर्म फिल करना है तो हम यहाँ पे मास्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। मोड ऑफ स्टडी आपकी रहेगी ODL, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको प्रोग्राम ऑफ एनरोलमेंट, तो देखिए हम मास्टर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको जो मास्टर के अंदर जितने भी प्रोग्राम है उसकी डिटेल हमें शो कर जाएगी। तो जो भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, लाइक MA, MCOM, MSc, MBA, उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो MA के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, तो जो भी आप प्रोग्राम करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर रहा हूँ MCOM। तो MCOM के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम शो कर रहा है, MCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो इसी प्रोग्राम को यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। दोस्तों देखिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है आप जब MCOM का फॉर्म फिल करते हैं, जैसे लास्ट डेट आने वाली होती है, जो MCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स सिंपल आपका मास्टर ऑफ कॉमर्स का ऑप्शन हटा दिया जाता है और आपको कई अदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे मास्टर ऑफ कॉमर्स
फाइनेंस एंड यूटिलिटी कुछ समथिंग ऐसा कुछ शो करता है, मैंने सॉरी टैक्सेशन शो करता है आपको। कुछ दो कोर्स हो करेंगे एम कॉम के, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एम कॉम जो सिंपल जो कोर्स है वो आपका यहाँ पे उठा दिया जाता है क्योंकि उसकी सीट फुल हो जाती है। तो आप अगर एम कॉम करना चाहते हैं तो पहले ही स्टार्टिंग में अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपना फीस चाहे आप बाद में पे कर लीजिएगा, लेकिन आप फॉर्म फिल करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम एम कॉम के उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें मिलता है हमें रीजन कोड फॉर एडमिशन। तो आपको अपने यहाँ पे एक रीजन सेलेक्ट करना है जहाँ भी अभी रहते हैं, उसके आसपास जो भी रीजन आपका पड़ता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन मिलता है प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड, तो जो भी आपने रीजन सेलेक्ट कराया है उसके अंदर जो भी स्टडी सेंटर कोड है, यानी जो भी स्टडी करा रहे हैं आपके इस कोर्स को, इस प्रोग्राम को, उसके सेंटर नेम आपके यहाँ पे मेंशन होंगे जहाँ पे आपको स्टडी करनी है जाके। तो आपको अपना एक स्टडी सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है मीडियम, तो आपको एम कॉम किस मीडियम में करनी है, इंग्लिश या हिंदी, यानी आपको स्टडी और एग्जाम किस मीडियम में देना है, इंग्लिश और हिंदी, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने अपना यूजी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और यस करने के बाद यूजी प्रोग्राम की डिटेल्स में प्रोग्राम का नेम और एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आपने यूजी यूनिवर्सिटी से नहीं किया तो इस ऑप्शन को आपको नो रखना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी प्रोग्राम की डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप एडिट करें तो एडिट कर लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन का स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मिलता है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमें यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी होती है। मिलता है सब्जेक्ट, तो आपने किस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी की हुई है उसमें से एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिनिमम सेलेक्ट करना होता है। तो एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है पासिंग ईयर, ग्रेजुएशन आपने किस ईयर में पास कर ली है वो आपको मेंशन कर देना है। आपका डिवीजन क्या है फर्स्ट सेकंड और थर्ड वो मेंशन कर देना है। साथ में परसेंटेज क्या है ग्रेजुएशन के अंदर आपको वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ऑप्शन मिलता है बोर्ड कोड, तो यहाँ पे देखिए हम ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर रहे हैं लेकिन हमें यहाँ पे 10-12 के बोर्ड देखने को मिलते हैं, तो हमें यहाँ पे सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करना होता है। तो लास्ट में ऑप्शन मिलता है देखने यहाँ पे नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट, इस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन मिलता है बोर्ड नेम और यूनिवर्सिटी का नेम, तो आपको अपना यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में आपको ऑप्शन मिलता है यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर आपको मेंशन कर देना है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, इसको आप स्किप करना है स्किप कर सकते हैं। साथ में NAID यूजर नेम और NAID सर्टिफिकेट ऑप्शन को आप स्किप कर दीजिएगा और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करेगा। क्लिक करते ही आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। तो अगर अभी आप यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि रहेगा हमारा कोर्स सिलेक्शन का स्टेप। तो हम यहाँ पे एम कॉम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अपना यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। साथ में देखिए आपको मिलता है स्टडी मटेरियल का, तो देखिए दोस्तों जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं अगर आप उसके जो स्टडी मटेरियल है डिजिटल फॉर्म यानी सॉफ्ट कॉपी में चाहते हैं तो आपकी जो प्रोग्राम फीस है उसमें से 15% आपका लेस हो जाएगा। अदरवाइज आपको स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए यानी बुक्स वगैरह चाहिए तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिले, अगर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त, उस समय में क्या होता है आपको जो स्टडी मटेरियल है वो प्रिंट फॉर्म में ही दिया जाएगा, यानी बुक्स वगैरह आपको अवेलेबल कराई जाएगी जो आप स्टडी सेंटर सेंटर पर जाके अपना रिसीव कर सकते हैं। हो सकता है ऑनलाइन भी आपके घर भेज दिया जाए क्योंकि जो आप एड्रेस फिल करेंगे वो इसीलिए फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके कोर्स की डिटेल्स हो कर जाएगी, इसमें अगर कोर्स आपका सेमेस्टर वाइज है ईयरली वाइज है वो मेंशन होगा। तो हमारा एम कॉम कोर्स यहाँ पे सेमेस्टर वाइज है, इसमें सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू के अंदर आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट है, कोई भी सिलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर आपको सिलेक्टिव सब्जेक्ट शो कर रहा है तो सिलेक्ट कर लेना है सब्जेक्ट को, फिर सबमिशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे कोर्स की डिटेल्स शो कर जाएगी, इसमें टोटल 40 क्रेडिट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सब्जेक्ट को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी होती है, तो आपको अपनी प्रेजेंट एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, जिसमें एड्रेस लाइन वन एड्रेस लाइन टू में अपनी डिटेल मेंशन कर देनी है, जो भी आपकी एड्रेस की डिटेल है, सिटी का नेम मेंशन कर देना है और एंटर करना है अपना पिन कोड। जैसे आप पिन कोड एंटर करते हैं जो नियर बाई पोस्ट ऑफिस की डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो जबकि आसपास जो नियर बाई पोस्ट ऑफिस का नेम है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते स्टेट डिस्ट्रिक्ट का नेम अपना फिल हो जाएगा और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी एड्रेस डिटेल्स होकर इसको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि रहेगा अपलोड का स्टेप। तो यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो बेसिकली पीजी के लिए अप्लाई करते वक्त आपको डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं, आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, साथ में 10-12 की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है, साथ में आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है जो कि फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, साथ में आपको जो डिग्री आपका है उसका सर्टिफिकेट या फिर प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। अगर आपके पास डिग्री का प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट नहीं, आपका डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास है तो इस केस में आप फाइनल ईयर की मार्कशीट भी इस ऑप्शन में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बात करते हैं फोटो और सिग्नेचर के साइज की, जो रखना है आपको मिनिमम 10 KB मैक्सिमम 100 KB रखना है। फॉर्मेट रहेगा JPEG। बात करते हैं जो बाकी अदर डॉक्यूमेंट है 10-12 मार्कशीट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके जो डॉक्यूमेंट साइज रखना है 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में रखना है। फॉर्मेट JPEG और PDF रहेगा।
सेलेक्ट फाइल को क्लिक करके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। तो जल्दी से मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें स्क्रॉल करना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना। क्लिक करते ही हम प्रीवियस स्टेप पर जाएंगे। प्रीवियस स्टेप में आपने अब तक जो 6 स्टेप कंप्लीट किए हैं उनकी डिटेल मेंशन होगी, तो आपको 1 by 1 करके यहाँ पे डिटेल चेक कर लेनी है। अगर डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई है आपके सेक्शन के अंदर तो मॉडिफाई दिस सेक्शन को क्लिक करके आपको डिटेल को एडिट कर लेना है। तो अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद हम आ जाते हैं फीस टैब पे। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोग्राम की जो फीस हो कर रही है वो शो कर रही है हमें 9,700 रुपीज़ प्रोग्राम फीस हो कर रही है। अगर साथ में यहाँ पे डेवलपमेंट और ट्रेडिशन फीस हो कर रही है 200 और 300 रुपये। टोटल फीस हो कर रही है हमारी यहाँ पे एमकॉम के लिए 10,200 रुपये। तो फीस को पे करने के लिए हमें आई एग्री क्वेश्चन क्लिक करना है और फिर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट क्वेश्चन क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। इसकी डिटेल शो करेगी, साथ में यहाँ पे पेमेंट को पे करने के लिए आपको गेटवे 1 शो करता है। हो सकता है अभी यहाँ पे बाद में गेटवे 2 मिलने लगे आपको पेमेंट करने के लिए। तो अभी मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही गेटवे देखने को मिल रहा है, तो मैं एक गेटवे के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। आपको 2 गेटवे देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में, तो आप किसी भी ऑप्शन में क्लिक करके पेमेंट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी पेमेंट कर लेता हूँ। अब बात करता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो आप पेमेंट करेंगे यहाँ पे वो आप अपने नेट बैंकिंग से या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करेंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कैंसिल कराते हैं अपने एडमिशन को, जो आपका रिफंड होता है आपका पेमेंट, वो सेम मेथड के जो भी आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के मेथड में ही जाएगा। मान लीजिए आपने कैफे से फॉर्म फिल कराया और आपने कैफे वाले से ही पेमेंट करा दी, तो इस केस में जो आपकी फीस रिफंड होगी एडमिशन कैंसिलेशन प्रोसेस के बाद वो सेम उसी के अकाउंट में जाएगी। और कैफे वाले बोलते हैं कि हमें अब तक फीस रिफंड नहीं हो, आप चक्कर काटते रहेंगे। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही फी पेमेंट किया करेंगे अगर आप कैफे से फॉर्म फिल करा रहे हैं। तो जल्दी से मैं अपने यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फाइनल प्रिंट जनरेट हो जाता है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। तो ये आपका फाइनल प्रिंट रहेगा, इसमें आपकी डिटेल मेंशन होगी, आपकी फीस की डिटेल मेंशन होगी। अब आपको वेट करना है 7 डेज का। विदिन 7 डेज के अंदर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपकी डिटेल सही हैं, तो 7 डेज के अंदर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है और SMS के थ्रू और मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। और उस मैसेज के अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर, कंट्रोल नंबर और आपकी सारी डिटेल मेंशन होती है। साथ में उसी डिटेल से आप अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करते हैं, आपने फी पेमेंट कर दी है और लेकिन आप अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको दोबारा से पोर्टल पे आना है, दोबारा से लॉगिन करना है अपनी डिटेल से। लॉगिन करने के बाद है कि आप डैशबोर्ड पर जाएंगे। इस बार आपको जाना है माय एप्लीकेशन के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके कोर्स की डिटेल आपको शो कर जाएगी। इसमें आपका प्रोग्राम का नेम, कॉलेज का नेम, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, कंट्रोल नंबर मेंशन रहेगा। साथ में ऑप्शन मिलता है प्रिंट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी पेमेंट जो स्लिप है उसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। साथ में ऑप्शन मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इस ऑप्शन में आप क्लिक करके आप अपना फाइनल प्रिंट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। साथ में देखिए जो एडमिशन स्टेटस है हमारा, अभी यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन है और आईडी कार्ड अभी हमारा जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। जब आपका एडमिशन कंफर्मेशन मैसेज आपको आ जाएगा तो आप दोबारा लॉगिन करके चेक करेंगे तो आपको शो करेगा यहाँ पे जो एडमिशन का प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पे एडमिशन स्टेटस, एडमिशन कंफर्म हमें शो करेगा। और हम यहाँ से अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आईडी कार्ड के उसमें क्लिक करके अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जुलाई 2022 सेशन का एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।